स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं जानवी गुप्ता आज की एक और बड़ी खबर के साथ। पेपर देकर बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या। मामला बल्लभगढ़ का है, जहां दिन दहाड़े छात्रा की हत्या कर आरोपी i20 कार में फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अधिकारी जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आज सुबह ही चेकिंग के दौरान बाइक को रोकने पर कुछ लोगों ने होमगार्ड पर फायरिंग कर दी। वहीं शाम होते होते पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर क्या कुछ हुआ आपके बेटे को? गोली लगी, क्या मामला था, किस तरीके से? पेपर देकर आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, भी खींच कर जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। किस कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है, हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम जानते हैं आप उनके? मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, उन्होंने देखा जी सबने, मैं तो नौकरी करता हूँ। पहले भी मामला बना था, नाम तो पता हुआ। हाँ जी, वो आसिफ लड़का था जी। कहाँ का है? तौसीफ। तौसीफ कहाँ का है? पता नहीं, इधर का ही है जी कहीं का। वो एड्रेस सारा लिख रहा होगा, पहली एफआईआर में होगा सारा ही। हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है इसका। आपको सूचना कैसे मिली, किसने आपको फ़ोन किया था? क्या आप मेरे को, मेरे इन्होंने फ़ोन किया था कि आ जाओ जल्दी से, मुझे बताया नहीं था। उसकी एक सहेली जो पेपर देने गई थी उसके साथ, उसने ही मुझे फ़ोन किया कि अंकल जल्दी से आ जाओ, निकिता को गोली मार दी है। और मैं ऑफिस में, मुझे फ़ोन आया था आपके पास? फ़ोन तो अभी देख कर बता देता हूँ, करीब डेढ़ घंटे पहले, आधा डेढ़ घंटे के करीब हो गया जी। जी तो अब क्या चाहते, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, स्थिति कैसी है फिलहाल? क्या स्थिति खत्म हो गई जी? मैं तो अभी आया हूँ 15 मिनट पहले, मुझे पता भी नहीं है इस तरीके से खुलेआम गोली मारी गई है। क्या क्या चाहते हैं? हम क्या चाहे जी, हमें तो समझ ही ना आ रहा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सिर्फ, क्यों नहीं होनी चाहिए? पुलिस की माने तो यह लड़की निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में एग्जाम देने आई थी। जब यह एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो i20 कार पर सवार एक युवक ने उसे जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने इसमें बैठने से इनकार किया तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गया। सरेआम हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर जा पहुंची और जब ही जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बल्लभगढ़ से स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। कुछ अभी स्थिति है? हाँ यार, निकिता तो लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार जी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। कहाँ की रहने वाली है लड़की? और ये लड़की अपना घर संजय कॉलोनी की रहने वाली है और तौसीफ जो है वो सोने का रहने वाला है। तो क्या कुछ पता चल पाया किस बात को लेकर के मारी है? अगर जो सीसीटीवी की बात करें तो क्या कुछ? तो सीसीटीवी में तभी उसका गाड़ी नंबर, गाड़ी देख रहे हैं अभी, गाड़ी का नंबर आने वाला अभी कैमरे जोन से हैं गली के, वो देख रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है एसीपी साहब, लगातार 2-3 दिन से कहीं ना कहीं क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी सेक्टर गुजर चौक पर एक होमगार्ड को गोली मारी। हाँ, वो आइडेंटिफाई कर लिया, जिनको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। अचानक इतना क्या हो रहा है कि मामला, या तो पुलिस कहीं कमज़ोर पड़ रही है, फिर क्या कुछ हो रहा है? ये लगातार मामले पर मामले आ रहे हैं, क्राइम लगातार नहीं, लगातार मामले पर मामले तो सुलटाए भी साथ साथ जा रही हैं जी। तो अब इसमें किस तरह की कार्रवाई चल रही है लड़की की? इसमें हमने अपनी टीम बना दी है, टीमें अभी उसको जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे। लड़की की स्थिति की बात करें? हाँ, लड़की एक्सपायर हो चुकी है। कितनी गोलियां लगी हैं? एक गोली जी।